एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन वर्ल्ड माय स्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ फेस क्रीम के बारे में, जो है मामा अर्थ विटामिन सी फेस क्रीम। समर्स के लिए काफी अच्छी होती है ये क्रीम। इसमें आपको विटामिन सी मिल जाता है, SPF 20 मिल जाता है और पैराबिन सल्फर फ्री होता है, डर्माजेलिक ट्रस्टेड होता है, फुटेबल ऑल स्किन होता है और इसकी नेट क्वांटिटी आपको 50 ग्राम मिल जाती है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसमें आपको विटामिन सी मिलता है और विटामिन सी आपको पता है हमारे फेस के लिए कितना अच्छा होता है। और इसकी MRP है 599 रुपीज़ और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स की। और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पे मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको ऑफर्स भी मिलते रहते हैं हमेशा, तो आप ज़रूर चेक करिए एक बार। और ये सुटेबल ऑल स्किन टाइप है, तो कोई भी स्किन टोन इसे यूज़ कर सकती है। आपकी स्किन टोन ऑयली हो, ड्राई हो या फिर कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टोन हो, आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। और 15 इयर्स के ऊपर के लोग इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे मेन हो और वुमेन हो, दोनों ही इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्रीम कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है और बैक साइड में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है और इसके सारी इंग्रेडिएंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट के बारे में। सो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं विटामिन सी एंड नियासियामाइड। तो विटामिन सी का वर्क जो होता है वो होता है हमारे फेस से जो दाग धब्बे होते हैं, छाइयां होती हैं, उसे रिड्यूस करता है, हमारे डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, हमारे स्किन पे ग्लो लाता है, हमारे स्किन से डलनेस को दूर करता है और हमारे इजी प्रोसेस को स्लो करता है और रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है नियासियामाइड। नियासियामाइड हमारे स्किन से लार्ज पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारे फेस से एक्ने ब्लेमिशेस मार्क्स को रिड्यूस करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और हमारे स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। क्रीम मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये क्रीम अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें SPF 20 है जो हमें UVA और UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है। ये क्रीम अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है, तो ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आइए चलिए इसे अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ अपने स्किन पर। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, ये आपको पंपिंग बॉटल में मिलता है और ये ट्रैवल फ्रेंडली है, तो अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा अमाउंट अपने हाथों पे ले रही हूँ और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा क्रीमी है और लाइट वेट है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही माइल्ड है। और इस तरीके से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और बहुत जल्दी ये स्किन में एब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि फेस पे कोई क्रीम अप्लाई किया है, बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं फील होता है। बस 2 मिनट के लगता है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो 2 मिनट के लिए आपको लगेगा कि फेस पे हमने कुछ अप्लाई किया है, उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है स्किन में आपके और आपके फेस पे इसको लगाने के बाद एक अलग सा ग्लो नज़र आता है और बहुत ही अच्छे से ये आपके फेस को मॉइस्चराइज कर देता है। तो मेकअप करने के पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हो एज ए मॉइस्चराइज़र, एज ए सनस्क्रीम आप इसे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्रीम है और ये आपके फेस पे बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं फील होगा, आपका फेस जो है वह काफ़ी फ्रेश लगेगा, स्मूथ लगेगा और ग्लोइंग लगता है इसे अप्लाई करने के बाद। तो ये क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करो इस क्रीम को और आप रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये क्रीम कैसी लगी और आप खुद फील करोगे इसको अप्लाई करने के बाद कि आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है और ग्लोइंग लग रही है। तो आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।